हमारे वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों को पता ही नहीं कि मेंबर कौन है। जब हम पावर में आएंगे तो मैं खुद एक ऑफिस बनाऊंगा। मैं बस अल्लाह मेरे को काबिल अगर बनाया तो मैं अपनी ज़िंदगी लोगों के भलाई के लिए लगाऊंगा। इलेक्शन करो आपको हम करेंगे, अभी हमें आपको लाना है। मतलब के हिसाब से काम मत कीजिए, वोट डाले साला भी अपना है, नहीं डाले साला भी अपना है। मैं दिन में 4 घंटे जनता के लिए अपने ज़िंदगी में से काटूँ। आप मेरे पास आने के बाद आपको जो इज्जत मिलेगी मैं आपकी बहुत कदर करूँगा, और आपको सबको जो भी आपकी परेशानी है तो मैं उसको हल करने की कोशिश करूँगा। अपने वार्ड के अंदर भी किसी की भी या कुछ भी तकलीफ हो मैं अपने दिल से खुद अपने ओन पैसे से करता हूँ। तो अगर आपको कांग्रेस पार्टी का टिकट नहीं देती है, मिस होता है, तो आप दूसरी पार्टी से लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? या तो दूसरी पार्टी या तो इंडिपेंडेंट, बहरहाल ठहरना ही है, किसी कंडीशन में भी इलेक्शन ठहरना है। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन के विशेष प्रोग्राम में, बीजापुर महानगर पालिके का चुनावी दंगल। बहुत जल्द बीजापुर महानगर पालिके का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें आपको नज़र आएंगे कई पुराने चेहरे और कई नए चेहरे आपको नज़र आएंगे। हम पूछेंगे इन आकांक्षी उम्मीदवारों से आपके सवाल। तो चलिए, आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 24 के आकांक्षी उम्मीदवार जनाब अनीस अब्दुल कादिर मन्यार। अनीस अब्दुल कादिर मन्यार साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को या वार्ड नंबर 24 की जनता को आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अनीस मन्यार है, मैं बहुत सालों से सोशल वर्क करते आ रहा हूँ। जैसा कि कर्नाटक रक्षणा वेदी के अंदर मैं वर्क काम किया हूँ, और मिल्लत को आप सोसाइटी में मैं एक डायरेक्टर भी हूँ, जहाँ पे जो भी गरीब लोगों की मदद हो करना चाहता हूँ मैं बहुत अपने तय दिल से करता हूँ। और अपने वार्ड के अंदर भी किसी की भी तकलीफ़ रहने दो, पानी की हो या कुछ भी तकलीफ़ हो, मैं अपने दिल से खुद अपने ओन पैसे से करता हूँ। जी जी। तो मेरे को अभी क्या लगता है, जो इंसान पावर में रह के काम कर सकता है, जी जी, बिना पावर के काम नहीं कर सकता, क्योंकि सामने वाले को बहुत जी जी करना पड़ता है। जी। या तो उसको कानून का पाठ पढ़ाना पड़ता है। जी। तो अगर पावर रहेगा तो काम बहुत आसान होगा, जनता को हर चीज़ की रिलीफ मिलेगी। जी। तो इसलिए पावर में आना या पॉलिटिक्स में आना, यही मेरा मकसद है। जब पावर रहेगा तो काम होगा, पावर नहीं है तो काम नहीं होगा। तो आपके कहने के मुताबिक जब के पावर होता है, एक कारपोरेटर ही कुछ कर सकता है, बेशक। तो आप बगैर पावर के क्या क्या काम अंजाम दें वार्ड नंबर 24 में? देखिए, जैसा कि अब हमारे मोहल्ले के अंदर बोर की पाइपलाइन है, पानी का सहूलत है, और जो कुछ थी किसी का भी एक बैंक का काम होता है, जैसा आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, उसकी मालूमात नहीं होती है लोगों को। जी जी। जो अपना मेरा खुद का टाइम काट के मैं लोगों की भलाई का काम करता हूँ। जी जी। तो मेरे को ऐसा महसूस होता है, जब भी मैं जब कोई ऑफिस को जाता हूँ, जो इंसान जब तक अपने आप को पावर में नहीं लाता तो पब्लिक का काम नहीं कर सकता। जी। या तो क्या बोलेगा, आपके मेंबर की एक साइन लेके आओ, आप अपने मेंबर को बोलो, मेंबर तो आएगा नहीं। मेंबर हमारे वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों को पता ही नहीं कि मेंबर कौन है। अच्छा, बस नाम है, 24 नंबर वार्ड में मेंबर कौन है। वो क्या समझते हैं कि भाई मैं 4 रोड बना लिया तो वार्ड के अंदर काम खत्म होगा। काम कभी 5 साल के अंदर मरते दम तक काम खत्म नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि जैसा जैसा दिन चले जाते रहते हैं वैसे वैसे काम होते ही रहते हैं। महानगर पालिका में बहुत से स्कीम आते रहते हैं, तो पब्लिक के अंदर मिलना बोलना, वो काम, अगर तुम वो काम करते हैं तो आप मेंबर हैं। आप ये नहीं कि आप वोट के टाइम आए, आप वोट ले, आप अपने घर में चले गए, जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारे घर तक लेकर आके बोले तो आप क्या काम कर रहे हैं, तो मेंबर नहीं। लेकिन मेरे को क्या लगता है कि मैं खुद वो पावर में आके पब्लिक की सेवा करूं, हिंदू मुस्लिम सबकी, मैं हर अपने तय दिल से उसकी सबकी सेवा करना मेरा अंदरूनी दिल की बात है।
आप एक सोशल वर्कर हैं, तो वार्ड नंबर 24 में आप अपना सोशल एक्टिविटीज आप करते रहते हैं, एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा लोगों को वहाँ किस बात की कमी है? वार्ड नंबर 24 की जनता क्या चाहती है, कौन से कामों से वो वंचित है, क्या आप महसूस किए हैं? देखिए, अभी जो परसों दो दिन पहले बारिश हो गई, इकरा स्कूल, ये जो दो तीन महीने से बारिश हो रही है ना, इकरा स्कूल कम से कम 20 से 25 दिन बंद है जी, क्योंकि पूरा पानी ठहर के पूरा पानी क्लासों में आ रहा है जी, ना उसको शुद्ध लेने वाला महानगर पालिका का कोई कर्मचारी आ रहा जी, और ना मेंबर आ रहा जी। इकरा स्कूल वाले हर बार मैं जा कभी भी मेरे बच्चे को उधर भेजता हूँ तो बोलते हैं कि आज स्कूल छुट्टी है, क्यों मैडम बोलने के बाद बोलते हैं कि बारिश बहुत आ गई है, पानी पूरा स्कूल में आया, देखो सर। तो मैं बोला कि आप महानगर पालिका को, नहीं सर हमें सब बोले, उन्होंने रोड ही उधर बनाते टाइम पे पूरा रोड बेकार बना के छोड़े, पूरा पानी स्कूल में आता है। और इसी तरह बागायत गली में जो नूर साइकिल दुकान जो बोलते हैं पहले से ही, उधर एक इतनी बड़ी गटर है, 10 फीट की गटर है, वो गटर क्या पानी इतनी भी उसके ऊपर, चलो स्लैब है सब है, लेकिन वो यूज में नहीं है। क्यों यूज नहीं है? क्योंकि पीछे से जो नालबंद के गार्डन से जो गटर आती है वो गटर पूरी पैक है, तो पानी, वो पानी बड़ी कमान को आके कम से कम एक गुड़गे के बराबर पानी ठहरता है। तो उसका मेन सॉल्यूशन क्या है? आज तक ना मेंबर ढूंढ रहा, ना महानगर पालिका ढूंढ रही, जो ऐसे काम है कि वो जो लोगों को तकलीफ दे, बारिश है उधर स्कूल है तो बच्चे उधर रोड पास करना मुश्किल। आप इतने वीडियो क्लिप्स देखते जाएंगे, बुजापुर में अगर बारिश कहाँ भी आई तो जीएम रोड को आपको पता चलता कि बारिश कितनी भी हुई या नहीं हुई, सही हुई जी जी, क्योंकि पानी पूरा गुड़गे के ऊपर पानी चढ़ जाता है। तो जो भी मेंबर है उसको सॉल्यूशन ही नहीं काट रहा, ये पानी इतना कहाँ से आता है, इसको जाने का रास्ता सही होना, अरे भाई वो उसका जरा घर आ गया, इसका घर आ गया, ये मैं बोल के उसके साथ बुरा नहीं होऊंगा, अरे एक अच्छा काम करना तो बुरा भी होना पड़ेगा जी, क्योंकि किसी को एक ले के तरफ से 10 को तकलीफ नहीं होना चाहिए। काम अच्छा काम करो कि भाई लोग आपको याद रखें कि भाई इस मेंबर को हमने किया। लाइट चले जाती है तो मेंबर बोलता है आप उसका पोल नंबर लिखा के दो, टीसी नंबर लगा के दो, क्यों भाई आप क्यों नहीं टाइम काट दे, जहाँ की लाइट गई क्या गई, ये आपका काम है ना जी। जनता तो हमारी वोट दी है, तो जनता को हम उसको क्या सहूलियत कर रहे हैं, उसको सहूलत हम क्या करके दे रहे हैं? ना एक लाइट की सहूलत करके दे रहे हैं, ना एक रोड की सहूलत करके दे रहे हैं, पानी जाने की सहूलत नहीं। और मेरे हिसाब से 24 नंबर वार्ड के अंदर जो शौचालय जितने भी महानगर पालिका से, एक तो आप बताओ कि 24 नंबर वार्ड को एक तो शौचालय बनाए बोल के, कहाँ बनाए बताओ, शौचालय कहाँ है? घर घर शौचालय की जो इतनी बड़ी स्कीम है, उसको कुछ भी उसका फायदा नहीं है। क्यों? करने वाला मेंबर ही उसको ध्यान नहीं देता। लोग तो हर एक लोग को चाहिए शौचालय, आप बना के गवर्नमेंट से बना के दे रहे हैं बोले तो कोई भी आएगा, तो वो बना को देने के मूड में ही नहीं है, तो पब्लिक की परेशानी सुनने के लिए उनके पास टाइम कहाँ है? अच्छा अच्छा, पब्लिक की परेशानी। अब और एक बड़ा मसला क्या है, देखिए आप अभी भी जाके आप अपने इस पे बड़ी कमान जो है, बड़ी कमान, मैं इसके भी पहले मेंबरों को भी बोला, 25 नंबर के मेंबर को बोले तो क्या बोलता है, बड़ी कमान जो है मेरे इसमें नहीं आती बोलता, वो बड़ी कमान की रोड इधर से मेरा 25 आता था। 26 नंबर को जाके बोलो वो बोलता है बड़ी कमान की कृष्णा डेरी से वो मेरे इसमें आती बोलता है। 24 वाले नंबर वार्ड, 24 का जो वार्ड है ना, तो उसको बोलो वो बोलता मेरा इधर से आता, रोड से उधर मेरा नहीं आता बोलता, तो फिर किसकी आती? अच्छा अच्छा, पानी तो ये मसला बड़ा मसला है, बड़ा मसला है। तो और एक काम सबसे पहला वो, क्योंकि देखो चारों वार्ड जो तीन वार्ड है उधर, तीनों वार्ड की पब्लिक फिरती है उधर जी, तो मेन है वो, ये मत सोचो आप काम के लिए वो 24 का है या 25 का है 26 का है, ये नहीं का काम है, अपने को पहला फर्स्ट तो तकलीफ हो रही है। और एक बात महानगर पालिका को बोलता हूँ, कमिश्नर का उधर घर है जी, जो उसके कमिश्नर के घर के करीब है वो जी, एक मैनोमेंट है, मैनोमेंट को वो उसकी कदर ही नहीं कर रहे। हाँ ये मैं वो देखता हूँ महानगर पालिका का एक काम मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो हारून लोनी, हम जो लोनी साहब और फिर हमारे एक दो सुपरवाइजर सुपरवाइजर हैं,
उधर बड़ी कमान के अंदर सब लोग लगा के कचरा डाल देते, वो इतनी मेहनत करे उधर पूरा क्लीन करना, सुबह रंगोली डालना कि एक उसको साफ सफाई रखने के लिए, तो वो एक चीज मेरे को महानगर पालिका से वो एक चीज अच्छी लगी वहाँ पे। और जामिया मस्जिद पास वो दो चीज वो बहुत मेहनत करे हो, लेकिन बाकी के जो मेन पॉइंट आई वो कोई ध्यान नहीं देता। तो आपके कहने के मुताबिक जो बारिश के दिनों में जो पानी आता है बड़ी कमान पास रुकता है, और बागायत गली की जो मेन गटर है वो तो बहुत दिनों से उसकी समस्या है, तो आपके इसके अलावा और क्या अभिवृद्धि हुई है वार्ड नंबर 24 में? मेरे हिसाब से वार्ड नंबर 24 में कुछ भी नहीं हुआ सिवाय रोडों के। इन 5 सालों में क्या हुआ है? बस रोड बन गए जी, ना ड्रेनेज ऊपर करे, ना ड्रेनेज को उसको हाइट करके चेंबर ऊपर करे, बस आए पूरा कितना उसको पहले की रोड काटना नहीं कुछ नहीं, उसके ऊपर ही माल डाल के भाई आप चलो। मेरे आपको आपके मीडिया के थ्रू मैं दिखाना चाहता हूँ, जमीन से 4-4 फीट जो घर ऊंचे थे आज रोड के लेवल हो गए जी जी, क्योंकि टेंडर तो पूरा ये जिसको टेंडर मिले रहता है वो पूरा जितनी हाइट रहती है वो काट के बनाने का रहता है, वो ऐसा नहीं करते, उसके ऊपर ही जरा जेसीबी फिरा के ऊपर माल डाल के वो रोड अपना काम करके अपना टेंडर का बिल पास कर ले जाता, ना मेंबर आके देखता है। अब पूरा लोगों की चौकटें घर के लेवल हो गई और वो पानी घरों पानी घरों में आना लाजमी है। कितने चेंबर को तुम्हें करेंगे, कितने गटर बनाएंगे? अगर जित आप घर के सामने खोदो 4 सीढ़ियां लोगों के डूब गए, 1-1 फीट के 4 सीढ़ियां डूब गए। अभी एक थोड़े दिन में लोग घर बढ़ा के बना लेना पड़ता है नया जी जी, ये मसले हैं। और थोड़े हमारे ऐसा नहीं कि हमारे वार्ड में गरीब लोग कोई भी हैं बोल के, बहुत से लोग गरीब हैं, उनको जो महानगर पालिका से घर बनाने के लिए जो लोन मिलता है ऐसे भी बहुत से लोग हैं, लेकिन कोई मेंबर उनको बताता नहीं कि आपको ये लोन मिलता है, जैसा कि गैस मिलती है गरीबों के लिए, उज्ज्वल योजना उसके बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना, घर बनाने के लिए जितने मिलते हैं, तो लोगों को आप बुलाइए, मीटिंग करिए, बताइए ये आपको महानगर पालिका से ये सहूलत है। ऐसा नहीं कि अनीस के दोस्त हैं वो दोस्तों का ही काम कर दे, 4 दोस्तों का बाकी वाले चले गए, ऐसा नहीं। आप गरीब को थोड़ी है, आपको दोस्त को मदद करना तो आप अपने खुद के पैसों से कीजिए, दोस्त को आपको मदद करना है तो अपने खुद के पैसों से कीजिए, लेकिन जब आपको जनता चुन के लाए तो जनता का काम होना। मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या कुछ घरे वगैरह बने? कुछ नहीं, 24 नंबर वार्ड में आप आके बताइए, एक भी घर बना के दिए हुए तो आप मैं जो बोलेंगे वो करूँगा। हाँ, ये नहीं बोल सकता कि मैं उनके दोस्तों के घर बना दे, वो मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है किसी गरीब का घर नहीं बना जी, एक भी प्रधानमंत्री रोजगार योजना से एक भी घर नहीं बना। और दूसरे स्कीम भी हैं, बहुत से स्कीमें इतने हैं, वो बताएगा कौन? और हम भी जब तक पावर में नहीं आते हमारे को भी पूरे चीज़ें उसकी मिलती नहीं, जब हम पावर में आएंगे तो मैं खुद एक ऑफिस बनाऊंगा लोगों की प्रॉब्लम के लिए, लोगों को जाके खंबे का नंबर लिख लेके आप फोन लगाओ, ये करो, नहीं रहूँगा। जहाँ भी कभी लाइट गएगी वो मैं खुद जाके अपने होन सामने ढके मैं कराऊँगा, एक लाइट से लेके एक नल के तक भी काम होने दो, मैं बस अल्लाह मेरे को काबिल अगर बनाया तो मैं अपनी ज़िंदगी लोगों के भलाई के लिए लगाऊंगा। क्या वार्ड नंबर 24 की जनता आपके साथ है? देखिए, अब मैं इजहार तो नहीं करना चाहता क्योंकि मैं आप जब एक आकांक्षी उम्मीदवार हैं, जब आप वार्ड नंबर 24 से एक कारपोरेटर के लिए फाइट कर रहे हैं तो आपको कुछ ना मेरे कुछ महसूस हुआ होगा? अभी जितने भी मेरे दोस्त, मेरे जैसे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, वो मेरे चाचा जान जैसे हैं और बहुत अजीज हैं, मेरे भाई जैसे भी हैं, वो सब बोलते हैं भाई आप इलेक्शन डरो, आपको हम करेंगे, अभी हमें आपको लाना है, क्योंकि आप मेंबर ना होते पर भी जो भी क्या भी गली का प्रॉब्लम आया तो पहले आप आगे आते हैं। अब ऐसा होता है कि मैं ये करा वो करा बोले तो अपना बड़ापन बताए सरकार होता है, क्योंकि आप जब तक लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे, अनीस मनियार के बारे में क्या ख्याल आता है करके मेरे मोहल्ले में, मेरे बैक साइड मोहल्ले में आपको पता लगता है कि मैं क्या करता हूँ,
तो अभी आपने बताया कि वार्ड नंबर 24 जो है, इन 5 सालों में वार्ड नंबर 24 की अभिवृद्धि पूरी जीरो। सिर्फ देखिए वार्ड नंबर 24 के अंदर सिर्फ 4 जगह के रोड बने हैं। जी जी, बागायत गली को वो कुछ भी काम नहीं किया। जी, क्या वजह हो सकती है? नहीं, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के उनके मुंह से सुनता हूँ कि भाई मुझे वोट नहीं डाले, मैं उधर क्यों काम करूँ, मेरे पास क्यों आते हैं बोल के, ऐसा बोलते हैं बोल के। लेकिन मेरे सामने तो नहीं बोले हो, लेकिन मैं सुना हूँ। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं होता, अगर वोट डाले वाला भी अपना ही है, नहीं डाले वाला भी अपना है। आप ऐसा नहीं कि आप इलेक्शन में आपका रिजल्ट नहीं आया तो अभी आप सोशल काम वर्क करना नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप मतलब के हिसाब से काम मत कीजिए। वोट डाले वाला भी अपना है, नहीं डाले वाला भी अपना है। तो अनीस मनियार जो वार्ड नंबर 24 के आकांक्षी उम्मीदवार हैं, यह हमारे सवालों का सिलसिला चलता रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या हुआ? आराम नहीं है, महंगे इलाज से छुटकारा पाना चाहती है तो जाओ बाग मारे हॉस्पिटल। वेलकम बैक, बीजापुर महानगर पालिके का चुनावी दंगल। तो आइए हमारे सवालों का सिलसिला जारी करते हुए हमारे साथ महानगर पालिका के आकांक्षी उम्मीदवार वार्ड नंबर 24 से अनीस मनियार। अनीस मनियार साहब, और एक बार आपका फिर स्वागत है। तो मेरा ये सवाल आपसे ये है कि जब आप महानगर पालिका का चुनाव वार्ड नंबर 24 से जीतते हैं तो सबसे पहले आप वार्ड नंबर 24 की जनता के लिए क्या करेंगे? जो सबसे पहले वहाँ पर एक जो मसला है, जो पानी का ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम है, जो गटर का बताया मैं बागायत गली से, बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि पानी आने के बाद बच्चे बाहर नहीं आ सकते। सबसे पहले काम मेरा वही रहेगा, लालबंद गार्डन से लेके पूरा बागायत गली तक वो गटर का काम जो है वो पहला क्लीन करना। अच्छा, दूसरा गरीबों के लिए जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना का जो घर बना के देना है जी, मैं उसके ऊपर अपना पूरा जोर लगाऊं जी। उसके वो फर्स्ट मेरा वही मकसद है कि गरीबों के लिए जो घर आ रहे हैं हमारे 24 वार्ड में जो नहीं हुआ है काम, पहले वो करूँगा। और जनता का जो भी प्रॉब्लम रहेगा मैं दिन में 4 घंटे जनता के लिए अपने जिंदगी में से काटूंगा। जी जी जी, सुबह से लेके 12 बजे तक मैं जनता के बीच में रहूंगा जी। जहाँ भी गली में जो भी प्रॉब्लम है वो आधी रात को भी मेरे घर पे आए तो मैं उनकी हेल्प करूंगा जी। और क्या काम, जो मेजर काम है, जो आपको लगता है कि ये मेजर काम है, ये काम से पावर में रहकर ही कर सकते हैं, ऐसे काम आपने मालूम किए होंगे? जो बागायत गली से रोड आते हुए नालबंद गार्डन को आती हुई रुकी हुई है जी जी, बीच में हर्षा शेट्टी साहब, कमिश्नर साहब जो रोड का काम बहुत अच्छे तरह कर रहे थे, और हमारे काजी साहब उनकी कुछ जमीन आती बोल के वो काम रुका हुआ है। अच्छा, वो मस्जिद के बाजू में से मस्जिद के बैक साइड से जो रोड आती है तो उस रोड को पूरा खुला करना है, बैठ के उनकी क्या प्रॉब्लम है सुन के वो बता के उसको रोड को खुला करने से क्या होता है, जीएम रोड का ट्रैफिक कम होता है जी। मेन जो काम है जीएम रोड का ट्रैफिक कम होता है, और मनगोली बेस, अब एक जो मेन बात है मनगोली बेस पास हनुमान गणपति गुड़ी के पास पानी इतना बहता है जहाँ पे वहाँ पे गंजाल हो गया रोड पे, रोड पे गंजाल, तो सोचो आप पानी कितना जाता है। वो उस पानी का व्यवस्था, उसको ड्रेनेज से मिलना या गटर से पूरा पानी जाना, उसका पहला वो ही मकसद रहेगा। क्योंकि उधर के लोग किसी को कंप्लेंट करते या नहीं करते नहीं पता, मैं जब भी वहाँ से गुजरता हूँ एक मनगोली बेस से लेके इधर गणपति गुड़ी तक कभी भी गंदगी भर के पानी बहते ही रहता है, क्योंकि उधर कुएं हैं,
कुएं में मोटर बटाएं, पानी का उधर अच्छी सहूलत है, पानी की तकलीफ नहीं है वहाँ पे, लेकिन पानी जाने का कोई भी मेंबर रास्ता नहीं बना। और पानी से क्या होता है, एक तो पानी ठहरा, गंदगी बन गई, उससे डेंगू मलेरिया, छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ने के बाद दवे खाने का खर्च बढ़ता है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, बच्चों की जान को तो तकलीफ आती है, प्लस माँ बाप को पैसों की भी तकलीफ आती है। जी जी। तो इसलिए क्या है, जो पब्लिक को जो तकलीफ दे चीज़ है वो सबसे पहला उसको दूर करना मेरा मकसद रहेगा। तो आपका जो मकसद है, सबसे पहला काम आपने जो चुना है वो पानी को डाइवर्ट करने का है, और ड्रेनेज का काम है, ड्रेनेज का काम, शौचालय का काम, शौचालय का काम है, स्ट्रीट लाइट का काम है, स्ट्रीट लाइट, ये तमाम चीजें आप करने का इरादा रखते हैं। तो हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि आप आने वाले महानगर पालिका चुनाव में जो वार्ड नंबर 24 से जो कारपोरेटर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, किस पार्टी से लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मैं बहुत सालों से तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ जी। मैं पहले कोशिश यही रहेगी कि मुझे कांग्रेस से टिकट मिले, और उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, और अगर मुझे कांग्रेस से टिकट मिल गया तो मैं करूँगा, फिर नहीं तो भी अगर कांग्रेस से अगर नहीं हो पाया तो फिर दूसरी पार्टी के कोशिश करूँगा। तो अगर आपको कांग्रेस पार्टी का टिकट नहीं देती है, मिस होता है, तो आप दूसरी पार्टी से लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? या तो दूसरी पार्टी या तो इंडिपेंडेंट, बहरहाल ठहरना ही है, किसी कंडीशन में भी इलेक्शन ठहरना है, किसी भी कंडीशन में इलेक्शन आपको लड़ना है, चाहे वो कांग्रेस से हो या जेडीएस हो, जेडीएस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी हो, हाँ, मैं इलेक्शन ठहरना है, किसी हाल में इलेक्शन ठहरूं। तो आपने तीनों पार्टी का ऑप्शन रखा है, अगर कांग्रेस पार्टी टिकट, फर्स्ट ऑप्शन आपका कांग्रेस पार्टी रहेगा, सेकंड ऑप्शन कौन सा रहेगा? जेडीएस रहेगा। अगर कांग्रेस और जेडीएस दोनों पार्टियों से अगर आपको टिकट मिस होता है तो आप बीजेपी से टिकट लेंगे, अगर आपको बीजेपी से भी टिकट मिस होता है तो आपने इरादा कर लिया है कि आप जो है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप इलेक्शन लड़ेंगे। तो मैं आपको मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप हमारे वार्ड नंबर 24 की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं वार्ड नंबर 24 के जनता से यही कहना चाहता हूँ, आप, मैं आपके वार्ड में रहता हूँ, आप, मेरा मकान भी आपके वार्ड में है, आप आधी रात को भी मेरे पास आ सकते हैं और मेरे बारे में आप जानकारी कीजिए कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, आप उसके बाद सोच के आप मेरे पास आने के बाद आपको जो इज्जत मिलेगी मैं आपकी बहुत कदर करूँगा, और आपको सबको जो भी आपकी परेशानी है वो मैं उसको हल करने की कोशिश करूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने का। तो ये थे वार्ड नंबर 24 के आकांक्षी उम्मीदवार अनीस अब्दुल कादिर मनियार साहब। अनीस अब्दुल कादिर मनियार साहब का यही मकसद है कि वो पावर में, पावर अगर उनके पास होता है तो वो और ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड नंबर 24 की जनता के हक़ में काम करेंगे, और उन्होंने उनके बड़े बड़े उनके सपने भी हैं कि वार्ड नंबर 24 को जो परेशानियां, मेजर रुकावटें हैं, जो भी मेजर काम हैं, उनको वो डेवलपमेंट करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। और हमें भी इन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि आप जो वार्ड नंबर 24 से कामयाब हो, एक कारपोरेटर हो और लोगों की सेवा करें। जितने भी स्कीमें भरी पड़ी हैं महानगर पालिका में, उन स्कीमों को अपने वार्ड में लाएं और वार्ड की जनता का काम करें। ये अब फैसला करना है आपको कि कौन सा उम्मीदवार करेगा आपके वार्ड का विकास। तो अगले एपिसोड में एक और आकांक्षी उम्मीदवारों से कराएंगे हम आपकी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन। बीजापुर महानगर पालिका का चुनावी दंगल।
जिसमें हम बुलाएंगे ऐसे आकांक्षियों को जो आने वाले महानगर पालिका के चुनावी दंगल में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। उन लोगों से पूछे जाएंगे आपके मुद्दों से जुड़े सवाल। अब फैसला आपको करना है कि कौन सा है वो आकांक्षी जो करेगा आपके वार्ड का विकास। बीजापुर महानगर पालिका का चुनावी दंगल।